हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, जो पालमपुर की मार्केट है वहाँ पे जा रही हूँ। थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा कुछ सामान खाने पीने का और बाकी सब चीज़ें लेंगे बच्चों की। अभी मैंने लिया है शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि अगर बाय रोड सीधा सीधा मैं आऊँगी मेन रोड से तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक भीड़ रहती है। और ये शांत सा रोड है, इस रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती है, आराम से लोग आ जा सकते हैं। और ये रहा पालमपुर का टी गार्डन, यहाँ टूरिस्ट स्पेशली इसीलिए आते हैं, इसी को देखने के लिए आते हैं। और पालमपुर की शान जान तो यही है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और बाद में मैं आ गई थी घर वापस, और हमारे घर में आए थे कुछ गेस्ट जिनको पालमपुर घूमना था, तो फिर हम उनको लेके जा रहे थे अभी जखनी माता मंदिर, जो पालमपुर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये रास्ते का व्यू, और ये रहा जखनी माता का मंदिर, बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, बहुत शांत सी जगह है। और इसकी जो नक्काशी और कारीगरी है दीवारों की, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर भी बहुत सारे बाहर से टूरिस्ट आए हुए थे, क्योंकि अभी बाहर शहरों में तो गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर ये शांत और ठंडा इलाका है। और ये देखिए चारों ओर हरा भरा देखने में लग रहा है, हरियाली ही हरियाली है। और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से। उसके बाद आ गए थे हम सौरभ वन विहार। ये जगह भी घूमने के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे। और ये एक नदी है जिसको हम बोलते हैं न्युग्गल खड, ये एक खड है, इसका नाम न्युग्गल है, न्युग्गल खड है ये। और पानी थोड़ा कम था, और गाड़ियां देखिए कितनी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, इन सभी को यहाँ पर जिप लाइन करना था, और ये लोग स्पेशली इसी के लिए आए थे, क्योंकि इन बच्चों का बड़ा मन था जिप लाइन के लिए। ये देखिए सामने रस्सी के ऊपर कैसे लटकते जा रहे हैं। शाम के बज गए हैं 6, बाहर का मौसम है इस तरह से, बहुत जोर की बारिश हो रही है। और देखने में ये बिल्कुल हरा भरा लग रहा है, बिल्कुल खेतों में पूरा पानी पानी है। यहाँ पर लोगों ने घास है ये खेत पशुओं के लिए लगाई हुई। और ये देखिए कितनी जोरों की बारिश लगी हुई है यहाँ पर।
पूरे पहाड़ अभी बर्फ और बादलों से ढक गए हैं। ऐसे लग रहा है बादल नीचे की धरती को टच कर रहे हैं। और गेस्ट चले गए थे वापस, और अभी ये दोनों बच्चे आराम से अपनी पढ़ाई करने बैठ गए हैं, क्योंकि दो दिन इन्होंने खूब मस्ती की है। और मैं आ गई थी डिनर के की तैयारी करने, और डिनर में स्पेशल कुछ नहीं था, मटर पनीर, आलू मेथी की सब्ज़ी और ये कढ़ी। ये दिन का ही लंच था जो बच गया था, तो ये रात को हमारे काम आ जाएगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग आदि अपनी ड्रेस प्रेस कर रहा है, क्योंकि स्कूल जाना है इनको, और बाहर का मौसम है बहुत ही घनघोर, बादल छाए हुए हैं और लगता है आज खूब बारिश होगी। आसमान बिल्कुल बादलों से भरा हुआ है और सामने पहाड़ भी बादलों से ढक गए हैं। और ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने मंचूरियन, और बच्चों को मंचूरियन बहुत पसंद है, आराम से खाना उनका खा लेते हैं पेट भर के, तो बस मंचूरियन बन गया था। और बच्चे अभी स्कूल भी के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।